नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। पेश है आज की खास खबरें। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए शासन और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से जिले में रविवार से 3 दिवसीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसमें नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। कार्यक्रम के तहत आज पूरे देश में पल्स पोलियो का कार्यक्रम चालू हुआ है। आज 27 फरवरी को बूथ पर स्टैटिक्स शो के सभी बच्चों को पोलियो का 2 बूंद का दवा पिलाया जाएगा। 28 और 1 मार्च को डोर टू डोर घर पे जाके स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और वॉलेंटियर्स के द्वारा पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी। जिले में 2,63,763 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है जो निर्धारित है और 1,218 बूथ है। और मेरा साहेबगंज के जिले वासियों से, एनजीओ से और भी जो भी पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरा अपील है, अनुरोध है कि अपने अपने 0 से 5 साल के बच्चे को आकर पहला दिन आज 27 तारीख को बूथ पर आकर पोलियो की दवा पिलावें। और अभी पोलियो मुक्त हो गया है भारत, लेकिन अभी खतरा बना हुआ रहता है। पड़ोसी देश में कुछ पोलियो की केस निकले हैं, जिससे के कारण यहाँ भी खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए मेरा सादर अनुरोध है जिले वासियों से, अपने अपने घर में, अपने घर के पड़ोस में सभी 0 से 5 साल के बच्चे को 2 बूंद की दवा पोलियो की अवश्य पिलावें और अपना घर, अपना देश, अपना समाज सुरक्षित रखें। धन्यवाद।